हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम के बयान में बताया जा चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह अल्लाह के हुक्म से हुई और अल्लाह ताला ने आपको बचपन में बोलना सिखा दिया। आपने लोगों से बातें की, ये आपका मोजज़ा था। अल्लाह पाक ने आपको नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा, जिनमें तौरात की तालीम के मुतालिक बहुत इख्तलाफ हो चुका था और तौरात की तालीम के खिलाफ अमल करते थे। अल्लाह पाक ने आपको इंजील मुकद्दस, आप उसकी तालीम लोगों को सिखाते रहे। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े मोजज़े अता किए ताकि लोग उनको देख कर ईमान ले आए। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की शक्ल बनाता हूँ, मुर्दे को जिंदा करता हूँ, जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में जमा रखते हो तुम्हें बता देता हूँ। मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ, बास चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई थी, इन्हें तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ। मैं तुम्हारे पास रब की निशानियाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उनका नाम अहमद होगा। अब तुम अल्लाह से डरो, मेरी बात मान लो और अल्लाह ताला की बंदगी करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग उनकी ज़िंदगी में ईमान लाए उन्हें हवारी कहते हैं। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि अल्लाह हम पर आसमान से खुआन उतारे। आपने फरमाया ऐसे सवालात मत करो, मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने दिल का इत्मीनान चाहते हैं और आपकी सच्चाई पर हमेशा गवाह रहेंगे। जब इन लोगों का इसरार बढ़ गया तो आपने यूं दुआ की, ऐ मेरे रब, हम पर आसमान से खुआन उतार जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी एक निशानी। अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, लेकिन अगर उसके बाद तुम में से किसी ने नाशुक्री की तो मैं उसको बहुत सख्त सजा दूंगा। हज़रत ईसा बनी इसराइल को नसीहत करते रहे, लोगों ने एक ना मानी और आपको मारने की तदबीरें शुरू कर दीं। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं पहले तुझे अपनी तरफ बुलंद करूँगा, फिर वफात दूंगा और जिन लोगों ने तेरा इनकार किया है उनसे तुझको पाक करने वाला हूँ। जो लोग तेरी बात मान लेंगे उन्हें इनकार करने वालों पर क़यामत तक गालिब रखूँगा। दुश्मनों के जवाब में अल्लाह ताला की तदबीर ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक ऊँची जगह दे दी जो रहने के काबिल थी। वो यहूदी बड़े बेहया थे जिन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाया और फिर ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनको ना किसी ने कत्ल किया और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्र अपनी कौम से भी यही कहते रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, लेकिन उनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद उनकी कौम यानी ईसाई गुमराह हो गए और कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और यूं कहने लगे, खुदा तीन हैं, एक अल्लाह ताला, दो एक हज़रत जिब्राइल, नंबर तीन एक हज़रत ईसा मसीह। यहूदी और ईसाई दोनों ने अपने नबी को खुदा बनाया या उनको खुदा का मर्तबा दे दिया, लेकिन मुसलमान भी अपने नबी को खुदा ना बना लें, इसलिए कलमा दोम में मुसलमानों को सिखा दिया गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।